माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न श्री जोगेंद्र सिंह आवाना संख्या 257। अन्य अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं, वर्तमान में विधानसभा नदवई की तहसील उज्जैन में ही कुल 16 पटवार मंडल है। ग्राम पंचायत शेदपुरा एवं आसपास की ग्राम पंचायत को मिलाकर नवीन उप तहसील शेदपुरा का सर्जन किया जाना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा नवीन तहसील उप तहसील के सर्जन हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं है। उक्त मापदंडों की प्रति प्रशिष्ट एपर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि तहसील रूपबास के 5 पटवार मंडल, 15 राजस्व ग्राम, 3 तहसील उज्जैन के पटवार मंडल, 8 राजस्व ग्राम, कुल 23 राजस्व ग्राम रूपबास व उज्जैन सैदपुरा, जिसकी मैं उप तहसील की मांग कर रहा हूँ, क्या सरकार किसी भी तरह से, क्योंकि वहाँ लगभग 20 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है, क्या कोई उप तहसील बनाने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उप तहसील के राजस्व मंडल से निर्धारित मापदंड गठित हैं। उप तहसील के लिए 15 पटवार मंडल होना जरूरी है, तभी हम सिफारिश करते हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी जो इन नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार उनको है, माननीय सदस्य ने मांग भी रखी है और हम इसका परीक्षण भी करवा रहे हैं, लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी सिफारिश करेंगे, आप स्वयं भी उनको निवेदन करना, ताकि इन मापदंडों में शिथिलता हो पाएगी, बाकी नियमों के आधार पर हम नहीं कर पाए। अगला प्रश्न अमृतलाल मीणा, प्रश्न संख्या 258। महोदय, खंड एक, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के प्रावधानों वो भारत सरकार के निर्देश दिनांक 17/7/2021 के अनुसार ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में उदयपुर जिले के DMFT फंड में जमा राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या वर्ष जमा राशि लाखों में। क्रम संख्या एक, वर्ष 2018-19 9,281.48 लाख। क्रम संख्या दो, वर्ष 2019-20 10,318.64 लाख। क्रम संख्या तीन, 2020-21 12,537.27 लाख। खंड दो, वित्तीय वर्ष 2018-19 व 20-21 की अवधि में DMFT के अंतर्गत सलूमर व सराड़ा पंचायत समिति में 21 विकास कार्य पर रुपये 536.54 लाख वे किए गए। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है। उक्त अवधि में जयसमंद सेमारी जल्लारा पंचायत समिति में विकास कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं हुई है। खंड तीन, जी हाँ, खनन से प्रभावित क्षेत्रों में एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 जारी किए गए हैं, जिससे खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए हैं। उक्त पंचायत समितियों के क्षेत्रों में से सलूमर पंचायत समिति में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित वर्ष 2018-19 में एक कार्य नर्सरी पौधे तैयार हेतु आधारभूत संरचनाएँ रेंज सलूम्बर हेतु राशि रुपये 2.35 लाख स्वीकृत किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि DMFT में कौन कौन से कार्य स्वीकृत होते हैं और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ष 2019-20 के कार्यों में विवरण की उपलब्धता नहीं करवाया गया है। माननीय मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें कि ये कौन कौन से कार्य कितनी कितनी राशि उस वर्ष में थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो DMFT के दो तरह के कार्य स्वीकृत होते हैं,
उच्च वरीयता और अन्य वरीयता। उच्च वरीयता के कार्यों में पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, वृद्ध व विकलांग कल्याण, कौशला विकास, स्वच्छता शामिल है। जबकि अन्य वरीयता में आधारभूत विकास के कार्य जैसे सड़क, पुलिया, रेंज से संबंधित, सिंचाई, ऊर्जा, जल संरक्षण व अन्य वे कार्य जिसमें पर्यावरण प्रभावित होता हो वो शामिल है। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य जी ने जो प्रक्रिया की जो जानकारी चाहिए, जहाँ तक DMFT के कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूँ। प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, रेलेवेंट प्रश्न शॉर्ट में बता देता हूँ, टाइम निकल जाएगा। आपका टू दी पॉइंट प्रश्न। मेरा ये कहना है कि जो वर्ष 2019-20 और 20-21 का राशि आने के बाद उस क्षेत्र में खर्च नहीं होकर पाई है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि DMFT के गवर्निंग काउंसिल में सरकार ने जो सदस्य मनोनीत किए हैं, और क्या वो सदस्य विकास के प्रस्ताव सीधे रख सकते हैं, जबकि 2016 का जो भारत सरकार का कानून बना है उस पर प्रश्न पूछ लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता वाजिब है। जो 2018-19 में जो मैंने सूची सदस्य जी को उपलब्ध कराई है, 9,39,00,000 के जो कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से अभी 5,36,00,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो मैं इसमें जिले के जो कार्यकारी एजेंसी है वो कार्य करती है, और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उसका मॉनिटरिंग करती है। मैं माननीय सदस्य जी की भावना के अनुरूप जिला कलेक्टर जी उदयपुर को निर्देश जारी करूंगा कि वे कार्यों की समीक्षा करें और इनमें गति प्रदान करें। साथ ही जो माननीय सदस्य जी ने जो अभी जो तीसरा क्वेश्चन किया माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जो राज्य सरकार के द्वारा जो मनोनीत जो सदस्य हैं वो DMFT का जो मूल जो एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें प्रोविजन है और उसके अनुरूप ही उनको मनोनीत किया गया है, और उनको भी सभी सदस्यों के बराबर अधिकार है। खड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 3 साल में जो DMFC के 421 करोड़ रुपया उदयपुर ज़िले को प्राप्त हुआ, उसमें से इन्होंने केवल सलुम्बर क्षेत्र में कितना खर्च किया है वो माना। आपने एक सूची दी है फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपने जो सलुम्बर क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसकी सूची में आपने लिखा है कि 9 करोड़ और कोई 49,00,000 रुपया कुल स्वीकृति निकाली, उसमें से 5,36 कुल खर्च हुआ, बाकी 19-20 में जैसा आपने कहा खर्च ही नहीं हुआ पैसा एक। अब इसमें से भी आपने जो नर्सरी के लिए जिसका उत्तर दिया है कि 2,35,00,000 रुपया स्वीकृत किया, खर्चा 0 हुआ। जो पैसा आपने नर्सरी के लिए और पर्यावरण सुधार के लिए दिया था 18-19 में, वो पैसा भी आज की तारीख में 0 खर्चा है। तो न तो आपने 19-20 में खर्चा किया, न 20-21 में किया, और आपके पास 421 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और 8 विधायक है, उसके हिसाब से उनके क्षेत्र के प्रस्ताव को नकारते क्यों? माननीय अध्यक्ष जी, कार्य DMFT में स्वीकृत करने का कार्य जो गवर्नर काउंसलिंग और मैनेजमेंट कमेटी है उनका ही अधिकार है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी उसके सदस्य हैं। जहाँ तक बजट का है तो अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने सही बात कही है कि वहाँ पर अभी बजट लगभग जिला उदयपुर में अभी तक कुल इकट्ठा एकत्र हुआ 638.64 करोड़, और कुल स्वीकृति जारी हुई 262.15 करोड़ की, और राशि जो वहाँ बैलेंस है 400 करोड़ से ऊपर। तो आप मीटिंग के लिए जो प्रोविज़न है, निश्चित रूप से कोरोना कार्यकाल की वजह से मीटिंगें कम हुई, और मैं जिला कलेक्टर जी को इस बारे में निर्देशित करूँगा कि वो जल्दी मीटिंग बुलाएं और आप उन प्रस्तावों को जो सदस्य हैं वो अपने हिसाब से निर्णय करें उसके लिए कौन से अपना आप में सक्षम है। आप भजन जी उदयपुर पहुंच गए क्या? 18-19 की मीटिंग खड़े, आप भी उदयपुर पहुंच रहे हैं? 18-19 की मीटिंग का जो रेफरेंस आप दे रहे हो,
मैं इन 3 सालों में आपकी इस काउंसिल की मीटिंग कब कब हुई? प्रश्न का समझो उत्तर मतलब 20 सॉरी अब मंत्री जी ने कह दिया है कि ये बात सही है 19-20 और 20-21 में नहीं हुई मीटिंग, डायरेक्शन दे दिया कि जल्दी मीटिंग करके उसके यहाँ जो गवर्निंग काउंसिल है वो बैठ के फैसला करे, यही उसको अंत कर तक नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि आप भी उसके मेंबर हो, लेकिन अगर आप सूचना नहीं भेजो तो मेंबर मीटिंग में जाएगा कैसे? मेरी सूचना के बारे में मैंने आपके सब अधिकारियों को कह दिया कि आपने मीटिंग की है, मुझे सूचना आपकी मीटिंग हो जाने के बाद ये कागज मुझे मिला है। अगला प्रश्न श्री बाबूलाल नागर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जवाब देना चाहूँगा। खंड 1 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजनांतर्गत स्वीकृत आध्यात्मिक सर्किट में सामोद हनुमान मंदिर परिसर जयपुर में पर्यटन विकास कार्यों हेतु विगत 5 वर्षों में राशि ₹1.28 करोड़ व्यय की गई, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट अपर संलग्न है। खंड 2 सरकार द्वारा सामोद हनुमान मंदिर तक रोपवे से आवागमन प्रारंभ नहीं किया गया है। श्री वीर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी जिला कलेक्टर जयपुर अधिकारी के द्वारा दिनांक 17/5/2019 को सशर्त अनुमति जारी की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है, परंतु आवेदक द्वारा सशर्त अनुमति की शर्तों को पालना नहीं की गई, जिसके कारण आवेदनकर्ता को दिनांक 27/6/2019 को नोटिस दिया जाकर रोपवे संचालन बंद करवा दिया गया। खंड 3 श्री भी हनुमान जी ट्रस्ट सामोद द्वारा प्रस्तावित उक्त रोपवे वाली भूमि में लगती हुई वन भूमि स्थित है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित रोपवे के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु वन विभाग को पत्र लिखा गया है, वर्तमान में प्रकरण वन विभाग की सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, पर्यटन पर्यटन मंत्रालय ने कई करोड़ों रुपए सीधा प्रश्न कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये जो जमीन है, जब से 1955 से जब से भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आई, जब से ये जमीन जहाँ पे रोपवे बनाया गया है, ये ग्राम महाकला स्थित कस्ता नंबर 7/15/31 ये वन विभाग की भूमि नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ वन विभाग की भूमि नहीं है, इसके बाद भी वन विभाग की NOC लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? और कलेक्टर ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, जिलाधीश ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद यहाँ तक जो सेशन न्यायाधीश ने भी आदेश दिए माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा माननीय आपके माध्यम द्वारा माननीय सदस्य के इसमें लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी कलेक्टर है। परसों ही जिला कलेक्टर जयपुर से हमारे पास चिट्ठी प्राप्त हुई है कि वन विभाग की भूमि है। मेरी माननीय सदस्य इस पहले बात हो चुकी जिस पहले सदन शुरू हुआ था, तो इनके पास एक अलग कागज़ है तहसीलदार की तरफ से जो उन्होंने पढ़ के सुनाया, हमारे पास अलग रिपोर्ट आई है जिला कलेक्टर से कि ये वन विभाग की भूमि है। जब तक वन विभाग NOC नहीं देगा जब तक हम सक्षम नहीं है, बट ही इज़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जैसे आपका नीमच माता का मंदिर है उदयपुर, उसमें माननीय प्रत्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं कि आज उसको परमिशन मिल जाएगी कलेक्टर द्वारा, लेकिन कागज़ तो पूरे हों। अब हम अगर चाहें आपका आदेश होगा तो हम दोबारा फिर रिपोर्ट मंगा लेंगे कि वन भूमि किसकी है, कि अगर ये जमीन नहीं है तो क्या इसको हो जाए, जब हो जाएगी तो फैसला करेगा। अगला प्रश्न श्री सुरेश ठाक। मंत्री जी हैं ये तो अच्छा, ओम प्रकाश जी की जगह ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में कुल
10,13,348 पट्टे जारी किए गए। खंड दो, उक्त अभियान के तहत दौसा जिले में विधानसभा क्षेत्रवार वितरित किए गए पट्टे तथा लंबित आवेदनों के विवरण निम्न अनुसार है। दौसा में 3,685, लालसोट में 5,453, बांदीकुई में 4,108, सिकराय में 4,069, महुआ में 4,076, कुलयोग 21,351 पट्टों की संख्या और लंबित आवेदनों की संख्या जीरो। खंड तीन, वर्तमान में कोई आवेदन लंबित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रशासन गांवों के संघ अभियान में ग्राम पंचायत मंडावर में 1 नवंबर 2021 को शिविर आयोजित किया गया था। उसमें उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में सरपंच द्वारा ये बताया गया कि 12 पट्टे आज जारी किए जाएंगे, लेकिन उस दिन 6 पट्टे ही जारी किए गए और उसके बाद से अब तक लगातार मैं यही पूछ रहा हूँ, उसके बाद से अब तक लगातार 3 बार प्रशासन द्वारा भी सरपंच को निर्देशित किया गया, पर 6 लोगों के पट्टे जिनके नाम क्रम से पूर्णचंद जारी नहीं हुए, तो ये पट्टे कब तक जारी हो जाएंगे और नहीं करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडावर में कुल आवेदनों की संख्या है 80 और निरस्त आवंटन है 68 और जारी पट्टों की संख्या है 12, जिसमें वितरित पट्टे 7 हैं और 5 शेष हैं। तो जैसा मुझे वहां से सूचना जो मिली है कि 90 दिन बाद भी पट्टे जारी नहीं किए गए, तो किस कारण से नहीं किए गए इसकी हम जांच कराकर और यदि दोषी है सरपंच या कोई भी अधिकारी तो सरपंच के खिलाफ धारा 38 पंचायत राज 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी, पर एक बार हम जांच करवा के जो भी निर्णय होगा नियमानुसार हम करेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती सफिया जुबैर। क्वेश्चन नंबर 261। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2001 के अंतर्गत आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन दिनांक 14/2/2022 को किया जा चुका है। 4 सदस्यों के पद रिक्त हैं। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का गठन राज्यादेश दिनांक 19/4/2000 द्वारा किया गया है। वर्तमान में शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रशासक हैं। सूचना प्रशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है। खंड दो, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में कुल 3,370,00,000 रुपये राशि स्वीकृत की गई तथा इसके विरुद्ध 31 जनवरी 2022 तक 2,264.54 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। विवरण प्रशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 3, अलवर जिले में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 लाभार्थियों को व्यावसायिक ऋण ऋण व 3 लाभार्थियों को शिक्षा ऋण स्वीकृत कर कुल 17 लाभार्थियों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सूची प्रशिष्ट 4 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जब अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त कॉरपोरेशन का गठन हो चुका है तो अल्पसंख्यक वित्त कॉरपोरेशन का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ है? दूसरी बात, जिन 17 व्यक्तियों के नाम आपने दिए हैं कि इनको लोन सैंक्शन हो गया, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है और एक पैसा इन लोगों को नहीं पहुंचा है। तीसरी बात कि एमनेस्टी योजना में कितने लोगों को फ़ायदा अब तक सरकार के द्वारा दिया जा चुका है? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बोर्डों की गठन की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है, जैसा कि अल्पसंख्यक आयोग के भी अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं और जल्दी ही दूसरी जो प्रक्रिया जो अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड का है उसके भी गठन की प्रक्रिया चालू है, जल्दी इसका भी गठन किया जाएगा। दूसरा जो आपने पूछा है कि जो लोगों का आवेदन है उनकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है और जो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है उस कमेटी ने निर्णय ले लिया और हमारे स्तर पर उनकी FS जारी हो चुकी है और जल्दी ही जो लोनी है उनके खाते में पैसा चला जाएगा। तीसरी बात, आपने एमनेस्टी के लिए की है, मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि जो हमारी इस एमनेस्टी योजना जो लागू की उन्होंने, काफ़ी जो पूरे राजस्थान के हमारे खाते NP हो चुके थे
इसकी वजह से जो लोग लोन जो देना था लोगों को वो प्रक्रिया बंद हो चुकी थी, और हमने अभी वर्तमान में जब जुलाई के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव योजना लागू की थी उसमें लगभग 5,161 लोगों को फ़ायदा दिया। इस योजना के अंदर तीन चरणों में हमने अलग अलग लोन माफ़ किए, इसमें मूलधन में जो है 80% जो राशि है वो माफ़ की, 80% राशि ली एवं समस्त इसका ब्याज माफ़ किया, और तीन चरणों में लगभग फर्स्ट चरण में 60% लोगों को फ़ायदा मिला, लगभग 40 करोड़ रुपए माफ़ हुए, और सेकंड चरण में 1.90 करोड़ जो है 301 लोगों को फ़ायदा मिला। तो कुल मिलाकर 42 करोड़ लोगों का हमने इसमें ऋण माफ़ किया है और 5,462 ऋणों का इसका फ़ायदा मिला है। और माननीय सदस्या जो जिस जिले से आ रही है तो अलवर के अंदर अभी जो फर्स्ट चरण में 170 लोगों को हमने फ़ायदा दिया, लगभग 2.25 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है, और सेकंड चरण में 1.11 लाख फ़ायदा हुआ। तो कुल मिलाकर अलवर के अंदर 2.26 करोड़ लोगों को एमनेस्टी के अंदर हमने पैसा माफ़ किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, पिछले साल आपने 20 लाख रुपए का टारगेट दिया था लोन देने का, तो क्या 20 लाख रुपए से किसी समाज का कुछ उत्थान आर्थिक या हो सकता है क्या? इस अल्पसंख्यक में देखिए बहुत सारे समाज आते हैं, जैन समाज आता है, तो इसका जवाब माननीय सदस्य के जो चाहती है इसके लिए जो लोन की टारगेट कम दिया गया, मैं आपकी जानकारी लाना चाहूँगा, जो ऋण वितरण का लक्ष्य जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या एवं ऋण की रिकवरी के आधार पर होता है, क्योंकि अलवर सहित 8 जिलों में हमारी रिकवरी कम हुई थी, इसकी वजह से 2019 के अंदर हमने इसकी रोक लगा दी थी, उसके बाद में 2021 में इसकी रोक हटी है, तो हटने के बाद में अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका जो है आवश्यकता के अनुसार पैसा बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न सुभाष में है, प्रश्न संख्या 262। खंड एक, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में इंदिरा महिला शक्ति निधि बनाई गई, इसके अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में आयोजित किए गए कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। खंड दो, जी नहीं, इंदिरा महिला शक्ति निधि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर अभियान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी महिलाओं ने शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन किया, उनमें चयन का आधार क्या रहा, बाकी रही आवेदनकर्ताओं की निरस्त किए क्या कारण थे, क्या 10 महिलाएं पात्र थी? एक नंबर दो, अध्यक्ष जी, शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संबंधित योजना में जिन महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगार स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया और रोजगार के उपरांत कितनों को रोजगार उपलब्ध हुआ या प्रशिक्षण मात्र सर्टिफिकेट ही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि 10 लाभार्थियों को 20,14,250 रुपए का अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। जैसे ही हमने ये योजना लेकर आए अध्यक्ष महोदय, उसी वक्त 2020 में ही कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से ना तो हम लोग जाजम बैठ के कर पाए, ना इनके प्रशिक्षण शिविर इस अवेयरनेस कैंप कर पाए कि हम इंदिरा शक्ति आयम शक्ति योजना के तहत गांव-गांव जाके हम लोग योजनाएं लोगों को बताते, महिलाओं को जागरूक करते, इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोक लग गई थी। कोविड की वजह से किसी प्रकार की बैठक नहीं हो रही थी, इसलिए हमारी जो अवेयरनेस कैंप थे वो लोग हम कम कर पाए, इसलिए ये संख्या कम रही है। अब चूँकि कोविड समाप्त हो चुका है तो हमारा विभाग बहुत द्रुत गति से इस कार्य को करने के लिए प्रयासरत है। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी आपके माध्यम से कि इस वर्ष हमारी महिलाओं की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। हमने सारे बैंकों के HODs के साथ में मीटिंग करके जो बैंकों के ऋण आवेदन करते हैं उनमें जो छोटी मोटी कमी बैंक के माध्यम से निकाली जाती है उनको दूर करने के लिए प्रयासरत भी हैं, और सारे HODs ने अभी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत हम लोग सहयोग करेंगे। अभी 8 मार्च को जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि उस दिन हम लोगों ने अच्छे कार्य करने वाले कलेक्टर को, अच्छे लोन के अंदर मदद करने वाले बैंकों को उस दिन फैसिलिटेट भी किया, उनको प्राइज भी दिए मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जिससे इसके प्रति लोगों की जागरूकता बने और बैंक भी इसमें आगे आके महिलाओं को उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए लाभान्वित करा पाए। ये जाजम बैठ के मंत्री जी ने बताया अध्यक्ष जी कि हम नहीं कर पाए,
48 ग्राम पंचायतों में 90 जाजम बैठक हुई है और उसके बावजूद भी ये पता नहीं लग रहा कि कौन कौन सी तारीख पे कहाँ कहाँ है जाजम बैठकें हुई, अभी तक कहीं पता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अभी सूचना चाहिए है, 90 जाजम बैठकों की सूचना शीघ्र आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये जो जाजम बैठकें हमने पिछले 2 वर्षों में की हैं, ये कोविड की जागरूकता के लिए ही हमको करनी पड़ी हैं। मैंने पेपर दिया, उसी में लिखा है आपको कि हमने बैठकें की हैं। ये इसीलिए की हैं कि जो हमारी साथिन बहनें होती हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, इन्होंने कोविड के अंदर जो अभूतपूर्व कार्य किया, मैं समझती हूँ इन लोगों ने कोविड के दौरान राजस्थान की जनता को संभालने का, हमारी साथिन बहनों ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, आशा ने जो सहयोग दिया, उसके लिए पूरे सदन को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इन बैठकों की सूचना आपको शीघ्र दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, रामलाल मीणा। 263। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जिला प्रतापगढ़ में 184 राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2, जी नहीं, वर्तमान में बड़े मंदिरों को सड़क से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। क्या माननीय मंत्री मजी ये बताने की कृपा करेंगे कि जिले में अधिकांश वो गांव जो आदिवासी बाहुल हैं, 184 गांव देश आज़ाद होने के 75 वर्ष बाद भी सड़कों से वंचित हैं, इन सभी गांवों को क्या विशेष पैकेज देकर सड़कों से जोड़ने का विचार रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गाँव ऐसे हैं कि जो वन विभाग के कारण वो जुड़ नहीं सकते, क्योंकि फॉरेस्ट में कई दिक्कतें होती हैं, उनके कारण नहीं जुड़ पाते। और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जिले में जनगणना 2011 के आधार पर कुल 970 राजस्व गांव हैं और जनगणना 2011 के आधार पर 1000 से अधिक जनसंख्या के 259 गांवों में से 257 डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 2 वन क्षेत्र में आने के कारण अभी तक डामर सड़क से नहीं जुड़ सके हैं। 500 से 999 तक जनसंख्या के 284 गाँवों में से 277 गाँव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं एवं 7 गांव वन क्षेत्र में आने के कारण अभी तक डामर सड़क से जुड़े नहीं जा सके एवं जनगणना 2011 के आधार पर 250 से लेकर 499 तक 237 गांवों में से 192 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। जनगणना 2011 सिंपल है, 184 गांव जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ने, बस दैट्स ऑल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आप प्रश्न का रिलेवेंट अपना सिंपल, 184 गांव जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे, फॉरेस्ट के अलावा जो भी गांव है वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने का हो जाएंगे तो फॉरेस्ट में योजना। माननीय सदस्य, जनसंख्या के आधार पर जुड़ते हैं, जनसंख्या वहां तक अभी तक पहुंची नहीं है, आपकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए भी जब सरकार रिलैक्स करेगी तब जुड़ेंगे। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मीणा। जनसंख्या 1591। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र बस्सी में विभाग द्वारा राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तुंगा संचालित है। खंड 2, उक्त छात्रावास की छात्र स्वीकार क्षमता 35 की है। छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 21-22 में 35 छात्र आवासरत है तथा छात्रावास भवन की स्थिति अच्छी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न, श्री जगदीश चंद्र। प्रश्न संख्या 265। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक कृषि उपज मंडी समिति सादुल शहर द्वारा 17 प्रकरणों में राशि 9.45 लाख, कृषि उपज मंडी समिति अनाज श्री गंगानगर द्वारा 45 प्रकरणों में राशि 33.5 लाख तथा कृषि उपज मंडी समिति फल सब्जी गंगानगर द्वारा 1 प्रकरण में राशि 2 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसका विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा सादुल शहर में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक सहायता राशि के कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 40 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं 5 आवेदन लंबित हैं। विधानसभा सादुल शहर के अंतर्गत राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में मंडीवार प्राप्त आवेदनों का विवरण परिशिष्ट बे पर, स्वीकृत आवेदनों का विवरण परिशिष्ट एवं लंबित आवेदनों का एवं उनके निस्तारण के संबंध में की जा रही कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट दे पर संलग्न है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि अनाज मंडी में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो खेती से रिलेटेड काम करते हैं, क्या वो इस योजना में शामिल हैं, और हैं तो अब तक कितने लोगों को इसमें पैसा दिया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जो व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हैं उसमें ज़्यादातर खेती पे काम करने वाले मजदूर हैं। इसके अलावा हम्बाल और पलदार हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रकरण हमारे पास में अभी आया नहीं है जो इस योजना को कवर करता और हमने उसको अनुदान नहीं दिया हो। अगला प्रश्न श्री गिरधारी लाल, 266 प्रश्न नंबर। मान्य अध्यक्ष जी, जी नहीं, शुभ शक्ति योजना के वर्तमान स्वरूप में संशोधन पर अंतिम निर्णय होने तक मंडल की बैठक दिनांक 6/7/2021 में शुभ शक्ति के नए आवेदनों की प्राप्ति को ऑनलाइन पोर्टल पर स्थगित रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। शुभ शक्ति योजना की वर्तमान स्वरूप में संशोधन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने पर भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की बैठक में निर्णयानुसार कार्रवाई की जाएगी। खंड दो, जी नहीं, दिनांक 4/2/2017 के पश्चात सीकर जिले में 6,505 आवेदकों को शुभ शक्ति योजना का लाभ दिया गया है। खंड तीन, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में शुभ शक्ति योजना के आवेदनों के निस्तारण की प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक, खंड में आवेदन बंद नहीं है तो जुलाई 2021 से आज तक कुल कितने आवेदन पूरे प्रदेश में लिए गए? कब तक जब तक एक भी आवेदन नहीं पूरे राजस्थान में नहीं लिया गया तो क्या राज्य सरकार ये झूठा उत्तर देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ में शुभ शक्ति योजना राज्य सरकार से लिफ्ट करती है या केंद्र सरकार से, यही पूछना चाहता हूँ। शुभ शक्ति योजना जो सेस आता है भवन निर्माण का, उसी आधार पर चले जाती है, भारत सरकार इसमें कोई मत नहीं है। जहाँ तक सीकर ज़िले का प्रश्न है, सीकर ज़िले में कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो है 1,17,858, स्वीकृत हुए हैं 43,571, निरस्त हुए 39,578, और जो जिनके पास पेंडिंग वो 19 है, विभागीय स्तर पर लंबित है 9,135। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि पोर्टल बंद है, इसमें जी नहीं, फिर भी ये मैं पहला जो प्रश्न किया उसमें क्या जो जवाब आया है सरकार की ओर से, उस अधिकारियों पर की कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? पोर्टल बंद नहीं है, स्थगित किया गया है, क्योंकि शुभ शक्ति का मतलब सिर्फ शादी मान लिया, शादी के अलावा उसको व्यवसाय से जोड़ने के लिए और उसके अलावा जो दूसरी योजनाएं थी, क्योंकि कोरोना था, सेंस की राशि कम आ रही थी, दूसरी जो प्रसूति सहायता है, छात्रवृत्ति है, सिलोकोसिस है, मृत्यु होने पर है, तो इसको केवल स्थगित किया गया है 2019 को, और इसकी दोबारा जांच करा रहे हैं, कमेटी बनाई बोर्ड की मीटिंग में, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी बंद स्थगित किया है, पुनः चालू करेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, प्रश्न संख्या 267। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जी हाँ, बजट घोषणा 2021-22 में 1,000 आयुर्वेद औषधालयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में 500 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की सूची चयन प्रक्रियाधीन है। प्रथम चरण के 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए कुल 50,65,00,000 रुपये केंद्रीय और राज्य अंश सहित राशि आवंटित की गई थी, तथा द्वितीय चरण के 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए 50,65,00,000 केंद्रीयांश एवं राज्यांश सहित राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तथा राज्यांश प्राप्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दोनों चरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड दो, राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के तहत प्रति आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए राशि 10,00,000
13,000 रुपये स्वीकृत है, जिसमें से केंद्रीय अंश राशि 60%, 6,07,000 रुपये एवं राज्यांश 40%, 4,05,000 रुपये है। खंड 3, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्थायी पद सृजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें संविधा के आधार पर योग प्रशिक्षकों को लगाया गया है तथा विभागीय शिक्षा अधिकारी को ही CHO नियुक्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और इन केंद्रों का और अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मुख्य अंतर क्या है। उक्त केंद्रों के लिए आवंटित धनराशि जो आपने 50 करोड़ की बताई है, उसमें क्या क्या सुविधाएं सृजित की जानी है और इसका उपयोग और प्रगति की स्थिति क्या है। राज्यांश हेतु बजट में कितने रुपयों का प्रावधान इसके लिए दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो कंसेप्ट राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत डेवलप किया गया था, जिसमें जो आयुष औषधालय पहले चल रहे थे उनको ही, एग्जिस्टिंग आयुष औषधालयों को ही डेवलप करने का प्रावधान था, जिसमें ये सुविधाएं दी जानी थी, जिसके जैसे 10,13,000 रुपये जो स्वीकृत किया गया है, उसमें जो स्कीम है मैं बताना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रांडिंग पर 5,00,000 रुपये, इंसेंटिव टू कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो चिकित्सा अधिकारी है जिसको डेजिग्नेटेड किया गया है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, योग इंस्ट्रक्टर मेल और फीमेल उनको लगाया जाएगा, और हमने करीब करीब केवल 11 जगह ऐसी हैं जहाँ पुरुष हमें मेल इंस्ट्रक्टर नहीं मिल पाए थे और 73 महिलाएं नहीं मिल पाई थी, जिनकी दोबारा विज्ञप्ति 26/2/2022 को जारी कर दी गई है। फिर टीम बेस्ड इंसेंटिव, जो टीम होगी इसमें एक डॉक्टर चिकित्सक, एक इंस्ट्रक्टर मेल या फीमेल ये होंगे, ये पूरी टीम के रूप में काम करेगी। इसके अलावा आशा जो बहनें हैं उनको इंसेंटिव्स दिया, आशाओं को भी जोड़ा गया है, और MOU मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हो चुका है, जिसमें लगभग इनको जो है 3 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, 60,000 रुपये प्रति जो है आयुष एंड वेलनेस सेंटर आइडेंटिफाई किया गया है। ट्रेनिंग ऑफ CHO इनको और अवप्रेरित करने के लिए ट्रेनिंग का कंसेप्ट है, जिसमें 30,000 रुपये है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ CHO 5,000 का है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ MPW आशा जो बहने उनको 20,000 का है। लेबोरेटरी सर्विसेज वहाँ जांच सुविधाएं भी डेवलप की जाएंगी, उसके लिए 28,000 रुपये है। IT नेटवर्किंग, हमारा कंसेप्ट है कि जिस तरह से इसको स्वास्थ्य दर्पण की तरह नेटवर्किंग की जाए, कितना वहाँ व्यक्ति आ रहे हैं, कितनी सेवाएं ले रहे हैं, तो उसके लिए भी 40,000 रुपये प्रति सेंटर डेवलप किया, आइडेंटिफाई किया गया है। IEC ब्रांडिंग के लिए उसको वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए IEC कंपोनेंट में 25,000 रुपये है। एस्टेब्लिशमेंट हर्बल गार्डन, वहाँ 20-22 तरह के हर्बल पेड़ जो है वहाँ लगाए जाएंगे, जिससे जो वहाँ लोकल आदमी जो आ रहा है इसको बताया जा सके इन मेडिसिनल प्लांट्स का क्या उपयोग है, जैसे तुलसी है या और भी जो चीज़ें हैं, डिटेल में भेज दें। अगला प्रश्न इसको आप एक्सप्लेन करेंगे अंतिम, अगला प्रश्न में मान्य आपने पूरा डिटेल में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता दी है और डिटेल में मेरे को आप दे तो देंगे, लेकिन बस ये जो जड़ी बूटी केंद्र, उद्यान केंद्र आपने बताया कि आप लोग मेडिसिनल प्लांट्स के लिए डेवलप करेंगे लैंड, तो इसमें लैंड उपलब्ध हो गई, क्योंकि अभी तक जहां तक जानकारी और इसमें भी आपने लिखा है कि आप लोग इसको जो केंद्र है ये चला रहे हैं एक किसी बिल्डिंग में, तो ये उद्यान डेवलप करने के लिए कैसे आप इसको आगे करेंगे, बस मैं आपसे ये जानना चाहती थी। बिल्कुल माननीय सदस्य सही कह रही हैं, कई जगह, क्योंकि आप जानते हैं औषधालय जब स्थापित किए गए थे, आयुर्वेद औषधालय बहुत छोटी छोटी जगह है, खुद की ज़मीनें नहीं थी, तो जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जहाँ खुद की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ उनको डेवलप किया जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से, जैसे मैं राजसमंद का ही बताना चाहूँगा कि 2021 में 14 जगह और 2021-22 में जो चयन प्रक्रिया में हमने लिए 12 जगह, इन जगहों पर है और आपको इनकी अलग से जानकारी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न चंद्रकांत मेघवाल, श्रीमती प्रश्न संख्या 268। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र केशवराई पाटन के अंतर्गत 3 उपखंड कार्यालय केशवराई पाटन, लाखेरी एवं नैनवा, 2 तहसीलें तहसील केशवराई पाटन इंद्रगढ़ तथा 3 उपतहसीलें उपतहसील करवर, तहसील नैनवा की उपतहसील लाखेरी एवं कापरेन आते हैं। उक्त कार्यालयों में विभिन्न सवर्गों के स्वीकृत पदों का स्वीकृति दिनांक एवं रिक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, जी नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों के पद रिक्त होने पर आम जनता को परेशानी न हो,
इस हेतु उक्त पदों का कार्य समकक्ष कार्मिकों को दिया जाकर संपादित करवाया जाता है। रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय समय पर की जाती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सामान्य मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा केशोराय पाटन में 219 पदों में से 105 पद आपने रिक्त मुझे बताए हैं। मेरा इतना सा निवेदन है कि उन रिक्त पदों को कब तक भरने का आप विचार रखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू के हमारे सभी काम, जमाबंदी, अतिक्रमण, सीमा ज्ञान 91 के सभी केसे, सारे प्रकरण हमारे अटके हुए हैं। इतना सा मेरा निवेदन है। और साथ ही दूसरा मेरा प्रश्न है कि उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी जिला हेडक्वार्टर पर डेपोटेशन पर लगे हुए हैं और इसके अलावा अन्यत्र स्थानों पर लगे हुए हैं, उनका डेपोटेशन कब तक निरस्त करने का आदेश करेंगे और इन पदों को कब तक भरेंगे, इतना सा मेरा निवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सदस्य की वाजिब बात है। पद काफ़ी, कुछ पद तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट पर खाली हुए हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो जब से चालू हुए तब से ही दो पांच पद ऐसे हैं जब आप गवर्नमेंट में थी तब भी नहीं भर पाए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने जो भर्ती निकाली है उससे इनके सारे जो 95 पद है, कुल इनकी विधानसभा में 218-19 जो पद हैं इसमें 95 लगभग पद खाली हैं। चतुर श्रेणी ये चार अलग हैं, तो हम अभी जो भर्ती की उसमें लगभग 31/3/2022 तक इनकी दस्तावेज का सत्यापन पूरा हो जाएगा दो महीने के अंदर अंदर, उसके बाद इनकी नियुक्ति की कार्रवाई कर दी जाएगी। इनके जो पद हैं वो सारे के सारे लगभग बहुत जल्दी इसे वित्तीय वर्ष में हम जो आ रहा है उसमें हम पूर्ण कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि तहसीलदार इंद्रगढ़ नहीं है, नायब तहसीलदार इंद्रगढ़ नहीं है, और भी आपने देखा जैसा आपने मुझे जवाब में दिया, जो हमारे यहाँ से प्रतिनियुक्ति पर जिला हेडक्वार्टर पर तहसीलदार को लगा रखा है, नायब तहसीलदार को लगा रखा है, किसी कर्मचारी को लगा रखा है, उसका आदेश कब तक हमारे यहाँ जाने का कर देंगे, इतना सा बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इनके प्रमोशन हुए इसलिए कुछ पद रिक्त हुए, मैं बहुत जल्दी इनका प्रश्न है जो डेपुटेशन पे आदमी जिले में लगे हुए उनको निरस्त करके कब जगह भेजेंगे, सीधा प्रश्न। अभी आपने बताई बात, 7-8 दिन में मैं इनको पता करके पूरा कर दूंगा। अगला प्रश्न, संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 269। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, प्रदेश में जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक की अवधि में खान विभाग द्वारा 1303 तथा वन विभाग द्वारा 3,565 मामले अवैध खनन के दर्ज किए गए, जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है। खंड 2, जिला कोटा व बूंदी में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में खान विभाग द्वारा अवैध खनन के 136 मामले पकड़े गए, इन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार उक्त दोनों जिलों में वन विभाग द्वारा गत 3 वर्षों में 735 मामले पकड़े गए, इन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। खंड 3, उक्त जिलों में अवैध खनन में संलिप्तता के संबंध में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुई का विवरण परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ये बताएं कि खनिज संपदा चोरी में माइनिंग एक्ट के तहत कई प्रकरणों में तो आपने FIR दर्ज किए और कई मामलों में FIR दर्ज ना करने के क्या कारण है, इनके पैरामीटर बताएं FIR लॉस करने के। और दूसरा, मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि अवैध खनन में जो संलिप्त कर्मचारी, पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी रहे उन पर तो आपने 17CC की कार्रवाई की, परंतु जो खनिज और वन विभाग के कर्मचारी थे उनके साथ क्यों आपने शिथिलता बरती, क्यों उनके साथ ठोस कार्रवाई आपने नहीं की? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छा बिंदु उठाया। राज्य सरकार की हमेशा अवैध खनन वाले माफियाओं, आतंक अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन रहता है, उन्हें आश्वासित करना। वहीं सरकार की मंशा यह भी रहती है कि जाने अनजाने में यदि कोई खनन कर ले तो अवैध खनन की श्रेणी में या आ जाए तो उसे गलती का कंपाउंड फीस लेकर रेगुलाइज
कर दिया जाए ताकि अपराधी तो दंडित हों पर सामान्य जन दंडित ना हो, क्योंकि कई बार जो पट्टेदारी होते हैं। मतलब मैं आई विल टेल यू, बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। हर बार आपको कहना पड़ता है, बैठे बैठे बोल रहे हैं, कमेंट करते हैं, रनिंग कमेंट, इज अनफॉर्चुनेट। वो मंत्री को जवाब दे रहे हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा, बीच में अपने बोल देते हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप प्लीज बैठे, कई बार जवाब दे रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं बीच में, सीनियर मेंबर हैं आप। कई बार जो पट्टेदारी भी होते हैं तो वो भी गलत सवन से भी पास की जमीन में अधिक खुदाई कर लेते हैं, तो वो भी अवैध खनन की श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोगों को जो रॉयल्टी का 10 गुना पेनल्टी लगाकर जो नियम है उसके अनुसार वसूली की जाती है, वाहन जब्त किए जाते हैं। तो मुख्यतः अपराधियों के में भय बना रहे, इसलिए प्रकरण के गुण और अवगुण के आधार पर FIR दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है। दूसरा, जो सदस्य जी ने जो बात रखी 17CCA वाली, माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन के विरुद्ध हमारी सरकार बिल्कुल चिंतित है और हमेशा समय समय पर अवैध खनन के विशेष अभियान चलाए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट, कई विभाग शामिल रहते हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। इसी तरह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई का जो प्रश्न है, राज्य सरकार की कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की 16CC 17CCA की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोपी को कारण बताओ नोटिस, सुनवाई का अवसर देना, आरोप तय किए जाकर विस्तृत जांच की जाती है। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, दोषी को फायदा देकर छोड़ने की कोई सरकार की मंशा नहीं होती है। जहाँ तक आपने जो कोटा बूंदी की जो बात की कि किन किन को किया गया, माननीय अध्यक्ष जी, कोटा बूंदी का जो सवाल है, सर्वेयर गंगाधर मीणा फोरमैन प्रभुलाल सरोया के विरुद्ध जांच कर चेतावनी पत्र जारी किए गए। कोटा बजरी प्रकरण में अतिरिक्त निदेशक दीपक तंवर, अधीक्षक अभियंता प्रताप मीणा, सहायक खनिज अभियंता सोनलाल रेगा, वरिष्ठ सहायक योगेश भट्ट के विरुद्ध जांच कार्रवाई प्रारंभ की गई जो प्रक्रियाधीन है। फिर भी मैं मान्य सदस्य जी को निवेदन करता हूं कि आपके संज्ञान में अगर कोई विशेष प्रकरण हो तो आप मुझे लिखित में दें, तो मैं उनकी और विशेष जांच कराकर जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य आपने जिन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ उनको दोषी माना, उनको आपने परिशिष्ट 5 पर सूची दी हुई है, 6 लोगों की सूची है। पहला जिस क्षेत्रीय वन अधिकारी, ये 19 का मामला है, कब है 19 को गया ये का, मुख्य वन संरक्षक कोटा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया 19 में, अभी अपन 22 में है। सेकेंड वाला भी ऐसे ही है, मुख्य वन संरक्षक कोटा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया 19 में। फिर 20 में आप मुख्य वन संरक्षक कोटा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाहिए, क्या 20 से रिपोर्ट चाह रहे हैं, 22 में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं और बातें इतनी ऊँची आदर्श की है, कोई मॉनिटरिंग करता है कि क्या हो रहा है हर एक में? अब मैं नीचे वाला भी ऐसे ही है, मुख्यमंत्री कोटा से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, उसे नीचे वाला भी है वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, उसे नीचे वाला भी है वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। 2 में 19 और ये जो नीचे वाले हैं ये सब 20 के हैं। अभी आपने अधिकारी से रिपोर्ट मांगी, वो आपके पास आने में इतना दूर बैठा हुआ वो, कि आपको 22 तक रिपोर्ट नहीं आ रही है और डिपार्टमेंट चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी की चिंता वाजिब है। मैंने जो हमारे विभाग से जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया, मैंने सदन को अवगत कराया। वन विभाग से जो संबंधित आपने भी जो उल्लेख किया उसकी मैं माननीय वन मंत्री जी जानकारी लेकर मैं वो भी आपको पहुँचा दूँगा। जहाँ तक अवैध खनन की जो बात है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तुलना करके बता सकता हूँ, आपके शासन के प्रथम तीन वर्ष की और हमारे शासन के प्रथम 3 वर्ष की। माने माने मंत्री जी, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, धर्मराज जोशी, वही में चला दे, प्रश्न संख्या 270। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास व संरक्षण हेतु मेवाड़ कॉम्प्लेक्स फेज 2 के अंतर्गत पर्यटन विकास कार्यों पर विगत 5 वर्षों में किए गए व्यय का वर्षवार, कार्यवार व स्थानवार विवरण
परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड दो, कलेक्टर राजसमंद और कलेक्टर उदयपुर से हमने रिपोर्ट मंगाई है और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है कि महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों पर वर्तमान में कोई अवैध कब्जा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, महाराणा प्रताप की जो समाधि स्थल है चावंड, उसकी जमीन जो है वो निजी खातेदारों की है और वो समाधि नीचे धस गई है। 3 वर्ष से 1 रुपया वहाँ लगा नहीं है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है वो निजी खातेदारों से जमीन लेकर के क्या सरकार वो जमीन अपने कब्जे में लेगी, और उस समाधि पर जो MLA MP पैसा दे नहीं सकते हैं तो MLA MP भी अपने कोटे से विकास का पैसा दे सकें, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, मेरा पहला प्रश्न। दूसरा मेरा निवेदन है, महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थल है कुंभलगढ़, शायद संसार में इतना बड़ा किला कोई नहीं है, कुंभलगढ़ पर चारों तरफ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जों को और वहाँ अवैध निर्माण जो हो गए हैं उनको ध्वस्त करने की मंशा रखती है, कब्जों को हटाने की मंशा रखती है, मेरा यही निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों सवाल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, इसलिए मेरा एक ही सुझाव आपसे है सदस्य महोदय कि आप किसी दिन मेरे ऑफिस पधारें या मैं आपके घर आ जाऊंगा, अपन बैठ के बात कर लें और किस तरीके से इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। और बाकी MLA MP लैड की बात है तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी विराजमान है, आपका भी क्षेत्र है, अध्यक्ष जी का भी क्षेत्र है, और सब आप भी करो। मानी कटारा जी, मैं जी आप प्लीज। अध्यक्ष जी, ये जो आपने परिशिष्ट लगाया है जी, इसको आपने देखा तो होगा ना जी, 5 वर्ष में इन स्थानों पर कितना खर्चा आपने किया, तो आपका 17-18 में थोड़ा बहुत है, 18-19 में है, 19-20 ब्लैंक, 20-21 ब्लैंक, 21-22 ब्लैंक, ये 5ों स्थानों की, इसको देखने के बाद आपको कुछ एहसास हुआ क्या डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में? माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें अब हम गति ला रहे हैं, मैं 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था इसलिए मुख्यमंत्री जी का चार्ज में था, 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था, अब वापस आया हूँ तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा, प्लीज प्लीज बेटा आप बैठे हैं, अंकित नहीं होगा, प्रश्न संख्या 271 बैठे नीचे बैठे आप अंकित होगा, रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत कुल 19,200 पद स्वीकृत किए गए, उक्त भर्ती के अंतर्गत भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। खंड दो, वर्ष 2020 में विभाग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वर्तमान में उक्त भर्ती की प्रतीक्षा सूची के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, जिस पर कार्मिक विधि विभाग से मार्गदर्शन लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, मंत्री महोदय क्या ये सही है कि LDC भर्ती 2013 में 19,275 पद स्वीकृत किए गए थे, और क्या मंत्री महोदय ये भी सही है कि अभी भी इन पदों में से 10,029 पदों की भर्ती बाकी है, और क्या ये भी सही है कि 5 मार्च 2019 को भर्ती कैलेंडर के अंदर भी इन पदों को भर्ती करने की सूचना दी गई थी, और क्या ये भी सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 24 जून 2021 को 4,000 पद और फिर उसके बाद में सेकंड फेज में इन तमाम पदों को भर्ती करने की बात की गई थी, और आपने जवाब में कहा है कि वर्ष 2020 में विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, कौन सा सही है? 2013 का मान्यवर आप कहाँ लिख, 2013 के बारे में बोला उन्होंने, प्लीज अंडरस्टैंड इट, आपका प्रश्न 2013 के संबंध में, अभी भी 10,000 2013 की प्रक्रिया के संबंध में लिखा है, आप आगे जा रहे हैं गाड़ी, मेरा निवेदन है कि 2019 पद बता दूं, हमारी मंशा है और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है 4,000 कार्मिकों की प्रथम चरण में 10,029 में से जो भर्ती 4,000 की प्रथम चरण में भर्ती की जाएगी और DOPO के माध्यम से कैबिनेट में लिया जाएगा, जो भी सतलता है कि जो छूट ली जानी है भर्ती हम करेंगे। अगला प्रश्न जोगेश्वर गर्ग, अगला प्रश्न सिद्धकांति प्रसाद, प्रश्न संख्या 273,
माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में 5,000 से अधिक की आबादी के 13 गांव क्रमशः मजोड़, झाकड़ी, अगारी, नागलवाली, लालपुरा, बहारीसर, सालेटा, बांदेरोल, नांगलहेड़ी, टोडा, नाथूसर, सिलीबावड़ी एवं भीकमपुरा में केवल एक ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 के पश्चात नवीन आंगनवाड़ी खोलने संबंधी कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वर्तमान में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने के संबंध में निरंतर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र दिनांक 31/12/2020, 24/2/2021, 27/8/2021 को लिखे गए हैं, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है। खंड दो। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बी सीटेड। भारत सरकार द्वारा आबादी से संबंधित निर्धारित मापदंडों से कम आबादी वाले वे छोटी ढाणियों में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोले जा सकते। ऐसी ढाणियों के लाभार्थियों को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से लाभान्वित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, 3 पत्र आपने भारत सरकार को लिखे हैं, क्या उनकी कॉपी उपलब्ध हो जाएगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कॉपी लेकर ही आई हूँ, मैं सदस्यों को अभी दे दूंगी, हमने जो जो भी पत्र उनको लिखे हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न, सुरेश टांक। 274। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के पुराने रेलवे स्टेशन पर ₹3 करोड़ की लागत से अंडरपास निर्माण। सीधा सवाल पूछ लो। आपने प्रश्न पूछ लेते हैं, उत्तर मान लिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, पूर्व में विभाग द्वारा 3 करोड़ का तकमीना दिया गया था, अचानक की 21.93 करोड़ क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण है? एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अंडरपास है ये रेलवे की सीमा में आता है, और रेलवे हम यहाँ से तकनीमा भेजते हैं, वो रेलवे को भेजते हैं, रेलवे ने वो रिजेक्ट कर दिया, रेलवे ने हमें ये तकनीमा, लेटर है मेरे पास उसका रेलवे का, जो प्राप्त हुआ है मुझे 20/2 को ये प्राप्त हुआ है, खंड में मैंने जवाब में आपके में दिया है 2/2/2022 को, तो उन्होंने ये तकनीमा भेजा है कि भाई ये इसकी लागत तकरीबन ये आएगी आपकी 24 करोड़ के आसपास, तो अब वो रेलवे हम वित्तीय संसाधन जो उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग इसको प्रस्ताव बनाकर भेजकर वित्तीय फाइनेंस मिल जाएगी, तो करा देंगे सर। माननीय मंत्री महोदय, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि 2 वर्ष बजट घोषणा को 2 वर्ष हो गए, उसके बाद अब तकमीना आना, और अब तकमीने के बाद स्थिति ये है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पे ये होगा, ये शहर की बड़ी समस्या है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको, इसकी स्वीकृति जारी कराएं तत्काल, ताकि मेरे शहर को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा ना, ये पहले तो ये प्रस्ताव था कि रेलवे के जो अंडरपास बनेगा रेलवे सीमा से बाहर बनेगा, परंतु रेलवे ने उसकी परमिशन नहीं दी, अब वो चाहते हैं कि रेलवे की परमिशन के आधार पर बनेगा, तो मैंने कहा राज्य सरकार को हम लोग प्रस्ताव भेज देंगे, और फाइनेंस को वहाँ से स्वीकृति आ गई तो शीघ्र करा दीजिए। अगला प्रश्न, श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 275। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें आप। माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ मानक प्रश्न आप कुछ प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने बताया कि 2019 और 2022 तक 850 मोबाइल बरामद किए, उनमें से 342 मोबाइल और 335 बंदियों से कब्जे में किए गए, मैं ये पूछना चाहती हूं कि इसमें ऐसी स्थिति में कोई ठोस कार्रवाई की है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जितने भी मोबाइल प्राप्त हुए हैं सब में, जितने भी बंदियों के पास मिले सब में FIR दर्ज हुई है, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें FIR दर्ज नहीं हो। कुछ ऐसे जरूर हैं कि जिनका पता नहीं चलता है, राह चलते या साइड से या ऊंचे मकान से जो डाल देते हैं, उन्हीं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाकी जितने भी बंदी हैं जिनसे मोबाइल मिले हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगला प्रश्न, श्रीमती मीना कुमार। अगला प्रश्न, श्री कालूराम। अगला प्रश्न, श्री कन्हैयालाल। माननीय मंत्री जी उत्तर, प्रश्न पूछ ले माननीय सदस्य।
मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में मालपुरा उपखंड में तकनीकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई विचार प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जब्बर सिंह सांकला 58 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन होडा की ग्राम पंचायत फला मादा के राजस्व गांव में उचित मूल्य की दुकान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अर्जुन लाल जिनगर 9 सदस्य की ओर से RSRDC द्वारा टोल रोड मावली फतेहनगर भोपाल सागर कपासन चित्तौड़गढ़ तक की सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी टोल वसूल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बलबीर सिंह डोत्रा 99 सदस्य की ओर से भाजपा युवा मोर्चा श्री गंगानगर के जिलाध्यक्ष ईसव जीत सिंह दानेवालिया के द्वारा 6 सूत्री मांगों पर आमरण अनशन के दौरान उनकी अचानक तबियत खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री फूल सिंह मीणा 96 सदस्य की ओर से उदयपुर शहर में आवारा कुत्तों द्वारा प्रतिदिन अनेक लोगों को काटे जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरेंद्र निमामा 196 सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले की गनोड़ा पंचायत को पंचायत समिति घोषित किए जाने के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल 192 सदस्य की ओर से नागौर जिले के घोघे लावा औद्योगिक क्षेत्र में ई ऑक्शन के जरिए आमंत्रित 38 भूखंडों का आवंटन बिना सूचना के रद्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती इंदिरा देवी 18 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांवों में दिनांक 8/3/22 को ओलावृष्टि के फसलों को हुए भारी नुकसान का सर्वे करवा कर किसानों को मुआवजा दिलवाए जाने के संबंध में। श्री अमृतलाल मीणा 8 सदस्य की ओर से जयसमन वृहद सिंचाई परियोजना की बांध नहर प्रणाली में माइनर व सब माइनर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में। श्री जोराराम कमाव 64 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के गांव सिंदरू में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाए जाने के संबंध में। श्री जगन सिंह 55 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में। श्री राजकुमार रोध 135 सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग युवती के जनवरी 2022 में लापता होने से संबंध में पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाने के संबंध में। श्री कन्हैयालाल 22 सदस्य की ओर से टोंक जिले में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत स्वीकृत नवीन मेडिकल कॉलेज एवं 200 बेड हॉस्पिटल भवन निर्माण हेतु सरकारी जमीन NH-12 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूसुफपुरा चराई टोंक में आवंटित करवाए जाने के संबंध में। श्री गोपीचंद मीणा जहाजपुर 48 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में एक प्रधान को 5 पंचायतों का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने से विकास कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अविनाश डबलमन सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के मार्ग में ग्राम जसनगर मेड़ता एवं लीलाम्बा रायपुर के टोल नाकों द्वारा सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बिहारी लाल बन 04 सदस्य की ओर से विधानसभा नोखा के दर्जनों गाँवों में 9/3/22 को हुई बेमौसम की बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के संबंध में। श्री गिरधारी लाल 39 सदस्य की ओर से बीकानेर में आवासीय कॉलोनियों में सीवरेज सड़क व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में जलदाय विभाग की योजना का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रमान सिंह आख्या 53 सदस्य की ओर से भरतपुर में एकमात्र राष्ट्रीय पक्षी वन अभ्यारण्य में पूर्व की अपेक्षा पक्षियों के आवागमन में कमी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य प्रताप सिंह 92 श्री चंद्रमान सिंह आख्या 53 को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना है। श्री छगन सिंह 55 सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत आहोर को नगर पालिका घोषित किए जाने के संबंध में। श्री पुष्पेंद्र सिंह 88 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाली की नगर पालिका सादड़ी व नाडोल में उप तहसील खोलने के संबंध में। श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में सिवरेज व नालिया नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री ओम प्रकाश उल्ला 21 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ में PSC खोलने व लोटवाड़ा व पावटा PSC को CSE में क्रमण किए जाने के संबंध में। श्री JP चंदेलिया 61 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत लांबा के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमण किए जाने के संबंध में। श्री गिरधारी लाल 39 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ क्षेत्र में खराब ट्यूबवेलों को दुरुस्त करने एवं नए ट्यूबवेल स्वीकृत किए जाने के संबंध में। श्री बिहारी लाल 104 सदस्य की ओर से नोखा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को डामर सड़क से जोड़े जाने के संबंध में। श्री बाबूलाल कठुमर 101 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कठुमर की पंचायत समिति गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत ईटेड़ा
मूलिया को परिसीमन लागू कर पंचायत समिति कठुमर से जोड़ने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद 49 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के किसानों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्री पद्माराम 82 सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व जाँच में कार्यरत मिशन वीक मैन कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों में शामिल नहीं किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल लाल मीणा 45 सदस्य की ओर से गृह विभाग के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के कार्मिकों को नियमानुसार पदोन्नति नहीं किए जाने के संबंध में श्री सुरेश टाक 188 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH विंग के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में मान्य सदस्यों को द्वारा गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री प्रताप सिंह। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मेरे विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में 2018 से पिछली सरकार के समय और वर्तमान सरकार के समय मान्य सदस्य मैं फिर निवेदन करूंगा हर मिनिस्टर के चैम्बर हैं ग्रत हुए हैं मान्य सदस्य प्लीज गो टू चैम्बर तक नहीं लगे हैं उसको मैंने इस बाबत PhD के चीफ इंजीनियर SES श्री PhD के SES श्री सुधांशु जी पंत और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया है पर मुझे दुख है कि 2018 19 और 20 में जो हैंडपम्प स्वीकृत हुए थे आज तक नहीं लगे हैं इसी प्रकार से 3 फरवरी 2022 को राज्य सरकार द्वारा हैंडपम्प सुधारने के आदेश जारी किए पर मुझे दुख है कि आज तक छबड़ा और छिबड़ौद में किराए के वाहन लेकर रिपेयर कराने का कोई काम नहीं चल रहा है वहाँ पर पेयजल की गंभीर व्यवस्था गंभीर स्थिति बनी हुई है वैसे भी हमारा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए मेरा सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ लगवा कर हैंडपम्प रिपेयर का अभियान चलवाएं इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय जल जीवन मिशन के तहत 29 हैंडपम्प 29 ट्यूबवेल और टंकी स्वीकृत हुई है उसमें स्वीकृत हुए करीब 3 माह हो गए हैं पर 3 माह के बाद वर्क ऑर्डर देने के बाद एक हैंडपम्प एक ट्यूबवेल मंडोला में खोदा है और उसमें भी जो कैसिंग और वो जो पाइप लगाए हैं वो भी जिस गुणवत्ता के सैंक्शन है उस गुणवत्ता के नहीं लगाए गए हैं तो मेरा आपके माध्यम से ये भी निवेदन है कि इस मामले में पूरी जांच करवाएं और जो हैंडपम्प स्वीकृत हैं जो ट्यूबवेल स्वीकृत हैं जो टंकी स्वीकृत है उसको शीघ्र लगाएं साथ ही छबड़ा छिबड़ौद में लासी परियोजना से सप्लाई हो रही है जब टेंडर उसको ठेकेदार को दिया गया तो उसको पाबंद किया गया कि आप 36 आदमी यहाँ पर लगेंगे फला फला जगह पर फला फला आदमी लगेगा पर मुझे बताते हुए दुख है कि उस ठेकेदार ने मात्र 8 आदमी वहाँ पर लगा रखे हैं अगर 8 आदमी से ज़्यादा लगाए हुए तो उसने जो PF दिया है उसने जो सैलरी दी है वो कहीं ना कहीं मेंशन की होगी आप उसको दिखवा सकते हैं मैं समझता हूँ छबड़ा और छिबड़ौद 12 जिले का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है उसमें इस तरह की पानी हो और मेरे सहित वहाँ के चेयरमैन को मुकदमा दर्ज करवाना पड़े PhD के खिलाफ ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है माननीय धारीवाल साहब यहाँ पर विराजमान है मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले को आप व्यक्तिगत तौर पर देखें क्योंकि दूसरे नंबर पर आप हो तो आप थोड़ी मेहरबानी करेंगे हड़ौती से आते हो छपड़ा भी हड़ौती में इसलिए चिंता करके वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था दोनों पंचायत समितियों के गांवों में ठीक करवाने की व्यवस्था करवाएंगे आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रबान सिंह आ गया माननीय सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय प्रदेश में भरतपुर स्थित केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान पेलियार्किडीज प्रवासी जल पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है तथा यह प्रवासी एवं गैर प्रवासी स्थानीय प्रजनन पक्षियों के विशाल संख्या में जमावड़े के लिए जाना जाता है उक्त अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान चीन और साइबेरियन जलीय पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन क्षेत्रों में से एक है उद्यान में दुर्लभ साइबेरियन क्रेन पक्षियों के कुछ 375 प्रजातियों के परलेख किया गया है इस पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी में बिना देखे बोलो ना आप देख के बोल रहे हो
माननीय सभापति महोदय भरतपुर गए नहीं गए हाँ बोलो बिल्कुल उनमें सबसे पहले वहाँ काफ़ी पक्षी आते हैं काफ़ी देश विदेशों से पक्षी आते हैं उन पक्षियों को वहाँ टिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है पानी के लिए माननीय मंत्री महोदय ने पहले घोषणा भी करी थी 550 करोड़ की वो पानी भी अभी तक विधिवत नहीं पहुँचा है उसके लिए टेम्परेली जो आगे के डैम हैं उन डैम के माध्यम से अगर वहाँ पानी पहुँचा दिया जाता है तो जो पक्षी आ रहे हैं वो पक्षी स्थापित रहें अच्छी व्यवस्थित वो पक्षी वहाँ रह सकते हैं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार को उन पक्षियों की अच्छी व्यवस्था देखकर उस वहाँ कैसे अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं उसको करने की अनुमति प्रदान करें धन्यवाद 295 श्री छगन सिंह धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और में करीब 30,000 की आबादी है फिर भी उसे नगर पालिका नहीं बनाया जा रहा है मेरे एक प्रश्न के जवाब में नगर पालिका के सभी मापदंड पूरे हैं उसके उपरांत अभी तक और ग्राम पंचायत को नगर पालिका की घोषणा नहीं की इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद इस गांव में ग्राम पंचायत की वजह से विकास की गति धीमी है ग्राम पंचायत में विकास का फंड कम मात्रा में आता है जिससे और ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है कस्बे की सबसे मुख्य समस्या पानी की निकासी की नहीं होने से गाँव में गंदगी रहती है कस्बे की कई मुख्य सड़कें सीवरेज लाइन की आवश्यकता मांगती है लेकिन बजट अल्प होने की वजह से संभव नहीं हो पाता इसी प्रकार और के मुख्य तालाब जो गंदगी से भरा है पूर्व में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण याचिका एवं प्रश्न द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने विधानसभा में बार बार तालाब सौंदर्यीकरण के लिए मुद्दा उठाया लेकिन अभी तक इस पर तालाब को लेकर पंचायत समिति विकास अधिकारी को भी इस विषय को लेकर बार बार अवगत कराया लेकिन 3 वर्षों में करीब 5 विकास अधिकारियों के तबादला होने की वजह से इस तालाब का को अनदेखा किया जाता है माननीय और कस्बे की मुख्य समस्या पानी निकासी एवं तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर है पुनः ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक बुलाए एवं तालाब में जो वर्षा का पानी आने का रास्ता है उस पर भी अतिक्रमण है उसे हटाकर ग्राम पंचायत के ऐतिहासिक धरोहर को बचाए और ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित करवाकर कस्बे में आने वाली समस्या में से निजात मिल सकती है इसी प्रकार ग्राम पंचायत रायतल ऐतिहासिक तालाब भीम तालाब है उसको भी आदर्श तालाब के साथ उसके चारों तरफ पिचिंग कार्य फुटपाथ के कार्य की स्वीकृति दिलाए जिससे इस ऐतिहासिक तालाब को भी नया स्वरूप मिल सके ग्राम पंचायत हरजी में भी पानी निकासी के गेवली में बड़ा नाला बनाकर करावे जिससे गाँव की मुख्य सड़क पर गंदगी खत्म हो सके धन्यवाद श्री पुष्पेंद्र सिंह सभापति महोदय धन्यवाद प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बाली में तहसील देसूरी में पंचायत समिति देसूरी में 27 पंचायत और 78 राजस्व गांव इसके अंतर्गत आते हैं मेरे सरकार से अनुरोध है कि तहसील देसूरी इतना बड़ा भूभाग होने के बाद भी एक भी उप तहसील नहीं है अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नगरपालिका सादरी व नाडोल में उप तहसील खोलने व आम किसान और जनता को उसका लाभ मिले और इससे सरकार का राजस्व में भी वृद्धि होगी अशोक लाहौटी माननीय सभापति महोदय विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड 65, 67, 67, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 103 की 600 से अधिक कॉलोनियों में लाखों लोग वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं कहने को ये सब लोग राजधानी जयपुर में रहते हैं परंतु आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यहाँ सीवरेज व नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण एक बरसात आते ही घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है एवं कई महीनों तक पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है इसी प्रकार वार्ड 68, 71, 74 व 83 के पृथ्वीराज नगर व आसपास के क्षेत्र में JDA अप्रूव्ड कॉलोनियों में भी सीवरेज व नालियों का अभी तक निर्माण नहीं करवाया गया है जबकि इस क्षेत्र की कॉलोनियों के लोगों ने नियमन व विकास शुल्क के नाम पर JDA में 1400 करोड़ रुपये जमा भी करवा दिए हैं और इस सरकार इस पैसे से तनख्वाह बांट रही है वह ब्याज खा रही है वार्ड 69
70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 95 वार्ड 100, 101 व 102 में हाउसिंग बोर्ड व जेडीए ने लगभग 30 साल पूर्व सीवरेज लाइनें डाली गई थी, जो कि अब पूर्ण जर्जर हो चुकी है तथा आबादी भी पहले से 10 गुना बढ़ गई है, जिसमें सीवरेज जाम होने के कारण लोगों को घरों से गंदा पानी भरने की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत यूडीएच मंत्री जी से मांग करता हूं कि सांगानेर विधानसभा की इस ज्वलंत समस्या का अविलंब समाधान करवाकर आम जन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद सभापति। ओम प्रकाश हुडला। ओम प्रकाश हुडला। श्री जेपी चंदेलिया महोदय, विधानसभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत लांबा के मुख्यालय लांबा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू में कार्यशील उप स्वास्थ्य केंद्र लांबा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करने के संबंध में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने गत वर्ष भी मेरी विधानसभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत मुख्यालय लांबा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू में जो उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया था और विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने यह मांग रखी थी। तत्पश्चात मैंने तत्कालीन चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय को अपने पत्र दिनांक 18/5/21 के द्वारा इस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू द्वारा भी उनके पत्र क्रमांक इतने 99 दिनांक 25 जनवरी 2021 के द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को इस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की अभिशंसा की थी। मैंने स्वयं ने भी दिनांक 21 जनवरी 2021 को मुख्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस क्रमोन्नति की अभिशंसा की थी, परंतु गत वर्ष यह उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया। मैंने उस क्षेत्र के ग्राम दिलावरपुरा, नालवा, कुरेशी नगर, काजियों की ढाणी, गोविंदपुरा, जाखड़ा, बुडानिया, घूमनसर खुर्द, नारनौद, मालीगाँव और बागपुरा आदि समस्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने की बात अंकित करते हुए तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को दिनांक 18/5/21 को लांबा उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत करने की अभिशंसा भी की थी। तत्पश्चात मैंने अपने पत्र दिनांक 3 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 के द्वारा उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लांबा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नति की अभिशंसा करते हुए निवेदन किया था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त ग्रामों में समुचित चिकित्सा सुविधाओं उपलब्ध नहीं होने के कारण लांबा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जावे। मैं उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को के साथ आपके माध्यम से यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लांबा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में पीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। कृपया उपरोक्तानुसार क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी करवाया जावे। धन्यवाद। श्री गिरधारीलाल। सभापति महोदय, आपने 295 में बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही श्री डूंगर विधानसभा क्षेत्र में अनेक गांव में पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र के गांव धन्यरू, जालपछव, सातलेरा, बिरमसर, धर्मास में नई मोटर व अन्य उपकरण के अभाव में ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों के अभाव में होने के कारण 15 दिन तक ट्यूबवेलों की खराब मोटरें बदली नहीं जा रही है। सभापति महोदय, इसके अलावा राज्य सरकार से स्वीकृत नए ट्यूबवेलों का निर्माण भी अधिकतर गांवों में अभी तक नहीं किया गया है। जिन नए ट्यूबवेलों के निर्माण हो गए हैं उनमें से ज़्यादातर ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन व अन्य जरूरी सामान नहीं होने से चालू नहीं हो पाए हैं।
अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार गाँव में स्वीकृत नए ट्यूबवेलों का निर्माण करवाने के बाद विद्युत कनेक्शन करवाकर एवं आवश्यक उपकरण डालकर ट्यूबवेल सुचारू करें। सभापति महोदय, इसके अलावा गाँव में खराब पड़े ट्यूबवेलों के दुरुस्तीकरण हेतु श्री डूंगर क्षेत्र को नई मोटर केबल आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं। साथ ही सरकार श्री डूंगर शहर के अलावा धनेरू की ढाणियों जाड़पसर मोमासर ठुकरियासर धोलियासर गुसाईसर बिरमसर मणकरासर शेरुणा इनपालसर बास गुसाईसर सोनियासर शिवदान सिंह सोनियासर गोदारान दुसारना पिपासरिया गाँव में नए ट्यूबवेल स्वीकृत करने का श्रम करें। धन्यवाद। श्री बेरीलाल। माननीय सभापति जी, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना। मान्यवर जी, नोखा विधानसभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गांव हैं जो अभी भी आपस में डामर सड़क से जुड़ने से वंचित है और इन सड़कों की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो ना मिसिंग लिंक में शामिल हो सकती है ना कृषि मंडी में शामिल कर सकते हैं। इसलिए पांचू से सेंगाल द्वारा, जेगला से राशिसर, नाथूसर से धरनोक, माडिया से घट्टू, बंदाला से मुंजासर, रामनगर उदासर से रायकों की डाणी उदासर, बक्सेऊ से मैंसर, हिमरसर बाईपास से मुकाम, पिंपासर सड़क बाईपास वाया मालानी धर्मशाला, राशिसर से सूरपुरा, कूदसू से देसलसर वाया यादेसर, कुंभासर से पांचू, राशिसर से सोवा, अणखीसर से बेरासर, खारा से सेंगाल द्वारा, साईसर से नांदड़ा, पितरासर से नखतबन्ना धाम, मुंदड़ से बक्सेऊ, साईसर से बुंगड़ी, कक्कू से बंदड़ा फांटा, रायसर से दासनू, गसुकदेसर से झाड़ेली, गसुकदेसर से थावरिया, जैसलसर से बाढ़ काकड़ा, रायसर से भू करम सोता, कट्टू से सोमलसर, रायसर से पिंपासर आदि सड़कों को स्वीकृत किया जाए ताकि क्षेत्र में आवागमन में सुविधा रहे। धन्यवाद। बाबूलाल। श्री बाबूलाल, श्री गोविंद प्रसाद, श्री गोविंद प्रसाद, श्री पद्माराम। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2011 में निःशुल्क दवा योजना और 12 में जांच योजनाओं की, जिसका जनता को समय पर लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत मिशन विंगमैन कर्मचारी लगाए गए, उस समय उनको मानदेय 8,000 रुपये देना चालू किया था, जो अब तक उसका मानदेय उतना ही चला आ रहा है। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को अधिक से अधिक जनता को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना के कार्यरत मिशन विंगमैन NRHM के तहत उनको शामिल कर लाभ दिलाने एवं अभी सरकार द्वारा नया एक्ट सिविल में शामिल करने की, उपरोक्त मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जिसके परिवारों का भरण पोषण करवाने एवं उनके बच्चों की शिक्षा दिलाने हेतु एवं कर्मचारियों को उम्र भी जाने हो रही है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री, जब भी संविदा कर्मचारियों की घोषणा करें, उस कैडर बनावे, उसमें मशीन विंगमैन को शामिल करके उनको उचित लाभ दिलाने हेतु निवेदन करता हूं। गरीब जनता का सहायता करता। धन्यवाद। गोपाललाल मीणा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत गृह विभाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा SC/ST कार्मिकों को अवैधानिक निर्णय करते हुए पदोन्नति से वंचित करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि गृह विभाग के अधीन संचालित विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान में 2020-21 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक, 2019-20 में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक व प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई। DPC में आरक्षित वर्ग के कर्मिकों
को स्वयं की सेवा में प्रवेश के समय की वरीयता वन मेरिट व पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं लिए जाने के तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए डीपीसी समिति द्वारा आरक्षित वर्ग के वरिष्ठतम एवं योग्य कार्मिक को अनारक्षित रिक्त के विरुद्ध पदोन्नति न करते हुए अनारक्षित पद रिक्त रखा गया है, जबकि कार्मिक विभाग के अनुसार एल सेप रोस्टर में पद रिक्त रखे जाने के कोई प्रावधान ही नहीं है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26/12/2021 को आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग को पदोन्नति हेतु उपलब्ध करवाए गए मार्गदर्शन के बिंदु संख्या 2 में स्पष्ट वर्णित है कि यदि किसी वर्ष में अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के आधार पर पदोन्नति होने वाले कार्मिकों में मूल वरिष्ठता के वरिष्ठ आरक्षित वर्ग एससी एसटी का कार्मिक पदोन्नति होता है तथा उस वर्ष उसमें कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का कार्मिक पदोन्नति नहीं होता तो अथवा अनारक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक ही उपलब्ध नहीं हो तब भी आरक्षित वर्ग के कार्मिक को पदोन्नति दी जाए तथा पद रिक्त नहीं रखा जाए। इसके फलस्वरूप आरक्षित वर्ग एससी एसटी जैसे भी स्थिति हो में होने वाली अधिक्य को संबंधित आरक्षित वर्ग की रिक्त होते ही समायोजित किया जावे। डीपीसी समिति सदस्य द्वारा बार बार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों नीतियों की पालना न करते हुए एससी एसटी कार्मिकों को प्रथम दृष्टया जानबूझकर पदोन्नति से वंचित किए जाने का प्रकरण प्रतीत हो रहा है, जिसके आरक्षित वर्ग के कार्मिकों में घोर निराशा तथा मानसिक संताप उत्पन्न हुआ है। साथ ही प्रशासनिक विभाग, गृह विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गई गलतियों की वजह से एससी एसटी कर्मियों को आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सभी दोषी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तथा जिम्मेदारी तय किए जाना आवश्यक है तथा वरिष्ठतम योग्य एवं पात्र आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पूर्व में की गई डीपीसी को रिव्यू करवाया जाकर शीघ्र पदोन्नति किए जाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण नीति रिजर्वेशन पॉलिसी की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराने हेतु समय समय पर समस्त विभागों द्वारा की गई पदोन्नति की समीक्षा करवाया जाना अति आवश्यक है ताकि पात्र कार्मिकों को समय पर नियमानुसार पदोन्नति किया जा सके। अतः विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। सुरेश काक। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग एमसीएच की स्वीकृति के संबंध में नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के 60 वार्डों एवं किशनगढ़ ग्रामीण क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों एवं 210 राजस्व ग्रामों में विधानसभा क्षेत्र के आसपास के कई ग्राम गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराए जाते हैं, जिसकी प्रतिवर्ष की संख्या लगभग 6,500 है। साथ ही निवेदन है कि प्रतिवर्ष लगभग 700 नवजात शिशु SNCU एवं शिशु वार्डों में प्रतिवर्ष लगभग 3,000 शिशु उपचार हेतु भर्ती होते हैं। महोदय, इसी संदर्भ में निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में वर्तमान में गायनिक विभाग, लेबर रूम, JSY वार्ड एवं शिशु वार्ड तथा SNCU वार्ड चिकित्सालय भवन में अलग अलग जगह संचालित है। महोदय, ऐसे में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं, नवजात शिशुओं, चिकित्सा अधिकारियों आदि को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में प्रसव की संख्या एवं उपचाररत शिशुओं, नवजात शिशुओं की संख्या को देखते हुए यहां एक मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH विंग की स्थापना किए जाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि चिकित्सालय में
गायनिक विभाग, लेबर रूम, जेएसवाई वार्ड, शिशु वार्ड, एसएनसीयू आदि एक ही स्थान में के एमसीएस विंग में संचालित होकर इसका लाभ सीधे तौर पर प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और चिकित्सा अधिकारियों को मिल सके। अब राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में जिला चिकित्सा अस्पताल बना दिया है। वह राज्य में प्रत्येक जिला अस्पताल में मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग होनी है और किशनगढ़ में इस विंग के निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध है। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की संख्या एवं परेशानियों के दृष्टिगत राजकीय जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में इस वित्तीय वर्ष की बजट पूरक बजट घोषणा में एक मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग एमसीएच विंग में भवन निर्माण की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करवाकर विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ एवं इसके आसपास के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करें। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री नारायण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट हाईवे 31 रानीवाड़ा भीनमाल रानीवाड़ा रामसेन की मरम्मत नवीनीकरण कार्य प्रारंभ कराने के संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जो रोड स्वीकृत हुई थी बजट घोषणा में, इसका रानी रामसेन भीलवाड़ा रानीवाड़ा सड़क के विकास एवं उड्डयन परियोजना कार्य हेतु राशि 422 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। परियोजना को विश्व बैंक को वित्तीय सहायता के अंतर्गत जन निजी सहभागिता के हाइब्रिड एन्युटी पद्धति पर विकसित किया जाएगा। इस हेतु रानी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रियायती ग्राही मैसर्स रामसेन रानीवाड़ा हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के साथ दिनांक 28 दिसंबर 2021 को राशि 247.77 करोड़ रुपये का अनुबंध संबंधित कर दिया गया है। इस राज्य मार्ग की विकास परियोजना की लंबाई 62.619 किलोमीटर है, जो कि वर्तमान में अधिकांश लंबाई में इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर है की डामर सड़क है। अब इसको दो लेन चौड़ी सड़क का निर्मित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजमार्ग में 2 आरओबी, 4 मुख्य पुल, 8 लघु पुल, 48 नई पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही आबादी क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर लंबाई में नालियों का निर्माण एवं 15 स्थानों पर बस शेल्टर्स में सोलर लाइट का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण महत्ता की मद्देनजर राजमार्ग के सहारे 18,800 पौधों का रोपण किया जाएगा। परियोजना में 2 स्थानों पर यथा ग्राम मुंडतरा एवं कोटा के समीप टोल प्लाजा निर्मित कर शुल्क ग्रहण कर लिया जाएगा। देहाती ग्रह पर राजमार्ग प्रबंधन संचालन निर्माण कमेटी के अनुसार आगामी 10 वर्ष तक किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जून के महीने में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उससे सारी अपना डील हो चुकी है, सारा अपना बिड ओपन हो गई है। इसमें 1 से 80 दिन का टाइम होता है, तो जून के महीने में इसको शीघ्र करा दिया जाएगा। और जहां तक माननीय सदस्य ने क्षतिग्रस्त सड़कों की जो बात करी है, अभी हम लोगों ने क्षतिग्रस्त सड़कें जो 20.50 मतलब 20.5 किलोमीटर जो सड़क हैं उनको हमने मरम्मत करा दिया गया। यदि आपकी नॉलेज में कहीं आपको लगता है कि ये पार्ट और टूटा हुआ है तो मुझे अवगत करा दें, उनके भी हम लोग शीघ्र मरम्मत करा दिए जाएंगे। बाकी जून के महीने में हम लोग कार्य प्रारंभ कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्टेट हाईवे 31 है, ये जालौर मुख्यालय, हमारा जोधपुर जो संभाग मुख्यालय है और प्रदेश मुख्यालय के आने जाने की मात्र मंत्री महोदय एक ही ये सड़क है। इस सड़क पर 3 विधानसभा सांचौर रानीवाड़ा और भीनमाल के लोग मुख्यालय और आसपास के गांवों में भी जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये 62 किलोमीटर की सड़क पर चलने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। इस सड़क पर 3 बड़े धार्मिक स्थान है, सुंदा माता मंदिर, बौतर जिनालय और सेमकरी माता का मंदिर, और साल भर में या मेटल डिटेक्टर इन मंदिरों में लगे हुए हैं। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन मंदिरों में आते हैं। आए दिन आम नागरिक और श्रद्धालु सरकार और जनप्रतिनिधियों को के बारे में बार बार रोष व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया पर कई उल्टी सीधी बातें भी दिखते हैं। मंत्री महोदय, आपने जून 2020 में इस सड़क को चालू करने की बात की है, ये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सड़क सैंक्शन की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। अभी मार्च महीना चल रहा है, 3 महीने और लगेंगे और इस सड़क पर
चलना तो बहुत मुश्किल है, पैदल चलना भी बहुत भारी काम है। इसका अध्यक्ष महोदय आखिरी रिन्यूअल 2012-13 में इसका आखिरी रिन्यूअल हुआ था, 10 साल हो गए हैं। पेचवर्क का काम 2020-21 में आपने किया। जब ट्रेंड अब उसका मतलब ही नहीं है, जब नहीं है उस पेचवर्क का कोई लेना देना नहीं है, जब काम नया सेंक्शन हो रहा है, काम शुरू हो जाएगा जून में। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है, तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 3 महीने लगेंगे। इसमें आपके आरओबी है, पुलिया है, सब है, बहुत अच्छी बात है, पर या तो इस काम को जून से पहले आप चालू करवाएं या पेचवर्क करवाएं, यही मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 20.50 किलोमीटर में जैसे कहा था ज्यादा क्षतिग्रस्त थी वो सड़कों की हम लोगों ने मरम्मत करा दी है, और मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको लगता है मैं अधिकारियों को भेज दूंगा, शेष यदि कोई रह गई है तो मैं अप्रैल के महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर जो टूटी सड़कें उनका मरम्मत का कार्य इसमें करा दूंगा, जिससे आपकी जो जनभावना है उसकी कदर होगी। चर्चा समाप्त हुई, प्लीज मान प्लीज बेटे, चर्चा समाप्त हुई, चर्चा समाप्त हुई। श्री गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सोखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति पद पर मिथ्या दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने सहित अपने पद का दुरुपयोग किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष पेश करता हूँ। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम 1962 यथा संशोधित 2017 की धारा 11(3) के प्रावधान अनुसार कुलपति की नियुक्ति माननीय कुलाधिपति राज्यपाल राजस्थान द्वारा कुलपति चयन हेतु गठित सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। सर्च कमेटी में एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, एक व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा, एक व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तथा एक व्यक्ति माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। माननीय कुलाधिपति द्वारा इनमें से एक व्यक्ति को सर्च कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। सर्च कमेटी अपनी रिपोर्ट भी माननीय कुलाधिपति महोदय को प्रस्तुत करती है। सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत पैनल में से एक व्यक्ति को राज्य सरकार के परामर्श से माननीय कुलाधिपति द्वारा कुलपति पद पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज माननीय कुलाधिपति सचिवालय में रहते हैं। उपयुक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल सचिवालय को पत्र दिनांक 9/3/2022 प्रेषित कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज सर्च कमेटी की अनुशंसा आदि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। माननीय कुलपति के कार्यालय द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता आदि के संबंध में दस्तावेज विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनके अनुसार प्रोफेसर अमरीका सिंह कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर दिनांक 20/10/2007 से 1/2/2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुरा रोड लखनऊ में नियमित प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विषय मेरा केवल ध्यान आकर्षण का इतना ही था कि जो आज कुलपति हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या है, उसके जो भी अधिकृत कागज हों वो उपलब्ध कराएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत दुख है, मैंने इसका तारांकित प्रश्न लगाया था 28/1/22 को। 28/1/22 को मैंने पत्र, ये जो प्रश्न लगाया था उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। इस सदन के मान ली लगभग 13 सदस्य
ने भी विभिन्न प्रकार की जानकारी इस विश्वविद्यालय से चाही, उनमें से भी किसी के भी प्रश्न का उत्तर अभी तक तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें मैं स्वयं हूँ, अशोक डोगरा जी है, मोहना राम चौधरी है, नारायण बेनीवाल है, निर्मल कुमावत है, बाबूलाल जी हैं, छगन सिंह जी हैं, पूरा राम जी हैं, मदन दिलावर हैं, गजराज खटाना है, फूल सिंह मीणा है, कैलाश जी मेघवाल है और राम प्रसाद जी। इतने लोगों ने इनके खिलाफ इस यूनिवर्सिटी के जो भी प्रश्न पूछे थे उसका इतने जवाब। मेरी प्रार्थना यह है, ये जानबूझ करके इसको डिले इसलिए करना चाहता है कि विधानसभा जब ख़त्म हो जाएगी तब ये सारा का सारा, तो विधानसभा को जिस हल्टिए ढंग से यूनिवर्सिटी ले रही है, एक तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। मेरा आपको आग्रह है वो ये है कि वास्तव में कोई भी अगर कुलपति का चयन के अंदर जाएगा तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो अपने पेश करेगा, तभी तो चयन समिति उसमें से ढूंढेगी, छांटेगी, उनकी योग्यता के आधार पर देखेगी और फिर सर्च कमेटी जिन नामों को भी ठीक समझती उनको राज्यपाल महोदय को भेजेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इतना समय हो जाने अमरीश द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी वैधानिकता, अब इन्होंने जो किया प्रमाण पत्र सादे पेपर पर हैं जिस पर विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का कोई लोगो नहीं है, न ही कुल सचिव की मोहर है, कार्यकाल अवधि का भी पता नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बताऊँ, जो आज अभी इन्होंने जिसको कहा है ना, कहा हमें प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ मैं सदन की टेबल पर भी रखूँगा और आप भी इसे देखें और माननीय सदस्य भी इसको देखें कि क्या इसको इस कुलपति के चयन के लिए जो कुछ भी इसने डॉक्यूमेंट दिया वो डॉक्यूमेंट कहाँ तक ठीक है नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको आपको समय जरूर चाहूँगा। यह प्रमाणित किया जाता है, इस कौन प्रमाणित कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, न इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी का लोगो है। लिखता क्या है, यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रोफेसर अमृत सिंह इस विश्वविद्यालय के ऊर्जावान शिक्षक हैं, अपनी सेवाएं प्रदान की है, सेवा उल्लेख के अनुसार डॉक्टर अमेरिका सिंह इस विश्वविद्यालय में दिनांक 20/7 से नियमित प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं और इसकी सेवानिवृत्ति तिथि 1/2/20 होगी, प्रोफेसर सिंह का वेतन ये है। मतलब ये जो प्रमाण पत्र दिया है ये 16/2/15 को दिया है और 16/2/15 को जो दिया है ये कौन से पद पे रहा, किस पद पे रहा, कितने समय पे रहा, केवल इसको 2007 लिख देने से कारण से 2015 में देने वाला सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति इसके उसकी पूर्ति नहीं करता, एक तो पहली बात तो मेरी है, और जिस पर ना कोई लोगो है और न जो कुल सचिव ने जिसको ये दिया है उसका कहीं इससे स्टाम्प है। ये एक प्लेन पेपर के ऊपर ये भी अभी आपके पास आया है, आपने इतने दिन से पूछा लेकिन आपके पास नहीं आया। मंत्री महोदय, अगर वास्तव में शिक्षा के इस मंदिर में इस प्रकार के लोग प्रवेश करके अगर रह जाएंगे तो मैं सोचता हूँ शोचनीय विषय है, इसको आप ध्यान दीजिए। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, प्रमाण पत्र 15 में जारी होना बताया गया है, जबकि प्रोफेसर अमृत सिंह जी की कुलपति पद पर नियुक्ति अपने यहाँ 20 जुलाई में हुई है, 15 में सर्टिफिकेट दिया है, हमारे यहाँ नियुक्ति हुई है 20 जुलाई में, इनकी सेवानिवृत्ति की जानकारी 2 जनवरी 20 हुई है, अतः 15 के बाद की स्थिति क्या है इसको कोई भी ये पत्र स्पष्ट नहीं करता है कि ये क्या थे क्या नहीं थे। सेवानिवृत्ति की अवधि जरूर उन्होंने लिख दी थी, अब वो कब सेवा हुए कि नहीं है, कि वहाँ रहे कि नहीं रहे, इसके बारे में कुछ नहीं। प्रमाण पत्र की दूसरी लाइन जो मैंने पढ़ी थी मैं उसके बारे में बताऊँ, इस विश्वविद्यालय में और इस विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट पर कहीं कोई नाम पता नहीं। ये जो इन्होंने दिया है ये दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुरा रोड लखनऊ, ये जो लिख रहा है कि विश्वविद्यालय, क्या पता कि ये विश्वविद्यालय है या कोई टेक्निकल कॉलेज है, इस सर्टिफिकेट से कम ये पता नहीं लगता है। श्रीमान सदन में प्रोफेसर अमृत सिंह ने समस्त दस्तावेजों यथा कब से कब तक क्या रहे, अर्थात अब सहायक प्राचार्य है, सह आचार्य है और कब से आचार्य के पद पर है, जो जानकारी प्रोफेसर अमृत सिंह द्वारा कुलपति के लिए आवेदन के समय दी थी, उन सभी नियुक्तियों तथा पदोन्नति के अधिकृत दस्तावेज कार्यालय आदेश की
प्रमाणित प्रतिलिपियाँ चाहिए थी। मैंने शुरू यह कहा कि भाई आप अपनी जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किया होगा इस चयन के लिए जब आप गए होंगे तो उस समय उसमें किसी भी प्रकार का इसमें से नहीं रखा, और इन्होंने एक व्यक्तिगत अपना ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किस तरह से हो जाता है बहुत विचारणीय विषय है। मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों को इसमें इसने अपना एक व्यक्तिगत जो दिया है वो दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये रहे हैं 17/7/88 से लेकर के 21/10/99 तक 10 वर्ष तक जो इन्होंने व्यक्तिगत दिया अपने हाथ से। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये जो दिया है उसके पीछे कोई सपोर्टिंग कागज है। दूसरा फिर कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर है ये 21/10/99 से लेकर 21/10/2007 और प्रोफेसर बने हैं 21/10/2007 से लेकर 31/1/2020। अब ये जो आपने जो मैंने पहले प्रमाण पत्र पढ़ा है इस प्रमाण पत्र की डेट को देखिए, इसमें ये लिखते हैं 20/10/7, ये लिखता है 21/10/7 और इसका जो रिटायरमेंट की समय जो ये बताते हैं वो 1/2 बताते हैं। मैं सोचता हूँ रिटायरमेंट का कभी भी अगर किसी एक तारीख को रिटायर्ड होता है तो उसका रिटायरमेंट 31 तारीख को ही हो जाता है, अगर 2 तारीख होता है तो उसका महीने के अंत तक होता है। तो ये बिल्कुल फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके आज मंत्री महोदय आपके साथ जिस प्रकार का उन्होंने चीटिंग किया है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा ठीक प्रकार से अभी आज लेटेस्ट ये जो है ना इस 4 मार्च 2022 को इसी 4 मार्च को इन्होंने स्वयं ने अपना एक सर्टिफिकेट मंगाया। अब कैसे आया कैसे नहीं आया मैं नहीं कह सकता हूँ, न तो इस पर जो है ना यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर नंबर चढ़े हुए होते हैं जिसके आधार पर आने प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के अभिलेखों अनुसार डॉक्टर अमरिंदर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घटक संस्थान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में दिनांक 20/10/7 से 1/2 तक प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये जो है ना है नहीं है, और इन्होंने स्वयं ने वेरीफाई किया अमरिंदर सिंह 20/10 से प्रोफेसर पद पर वर्तमान में ये जो ग्रेड है उसमें ये कार्यरत हैं। मेरा आपसे कहना है कि मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, ये UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ये हैं और उसी के एनुअल रिपोर्ट है 2008 की, ये है 23 दिसंबर 2008। इसके कौन कौन अध्यापक इसमें हैं इसकी सूची में नाम लिखा हुआ है। इसमें ये DSW थे वहाँ पर और डॉक्टर अमरिका सिंह। अब इसमें जो फैकल्टी के लोग हैं उनके सूची दी हुई है, पूरी सूची है इसमें है ना, डॉक्टर बी कांचनीवाल प्रोफेसर और हेड, डॉक्टर SK श्रीवास्तव प्रोफेसर, डॉक्टर VK सिंह प्रोफेसर एग्जामिनेशन और डॉक्टर अमरिका सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर। अध्यक्ष महोदय निवेदन ये कर रहा हूँ कि जब 2008 की एनुअल रिपोर्ट में ये अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है और उधर सर्टिफिकेट में ये लिख रहा है कि मैं 7 से प्रोफेसर हूँ, इसके बाद एक और इसी यूनिवर्सिटी की एक और एनुअल रिपोर्ट है वो 2009 की है, उस 2009 में भी सेम यही 5वें नंबर पर जो स्टाफ का नाम है डॉक्टर अमरिका सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर ये प्रोफेसर 9 की वार्षिक रिपोर्ट में अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप तो विश्वविद्यालय में इतना साल तक रहे हैं, आप इस सारे रास्ते से गुजरे हो, क्या वास्तव में ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो 9 की इस रिपोर्ट में दर्ज है वो 7 से प्रोफेसर हो सकता है क्या? तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है जिस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा करके, और ये जो मैंने अभी आपको जो बताया था है ना, ये इतने जो अभी लेटेस्ट में 4 तारीख को जो प्रमाण पत्र दिया है उसका आप जो सिग्नेचर हैं वो आप दोनों मिलाइए है ना, पहले वाले सर्टिफिकेट में और अभी वाले सर्टिफिकेट में जिस प्रदीप का नाम लिखा उस प्रदीप का, इसको FSL की जांच के लिए भेज दो इसी डॉक्यूमेंट को कि वास्तव में ये डॉक्यूमेंट फर्जी बना हुआ है या क्या है। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना ये है कि अगर वास्तव में एक प्रोफेसर
अपने आप को वाइस चांसलर बनाता है और इस यूनिवर्सिटी में बच्चों का और वहाँ का शिक्षा का एक तरह से भार वहन करता है, वो इस प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर नौकरी में लगा हुआ, तो मेरी विनम्र प्रार्थना इतना ही है, ये फर्जी है कि सही है इसकी जांच निश्चित रूप से अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कहीं से भी किसी की भी कमेटी बनवाओ, इनका डिपार्टमेंट बना कोई बना, इसके सारे डॉक्यूमेंट, इतने दिन तक भी ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजता है और हमेशा इसको टालता रहता ताकि विधानसभा 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जो बाकी सदस्यों ने भी 13 ने जो प्रश्न पूछा है विधानसभा के फ्लोर से आपके माध्यम से, उसमें भी जवाब नहीं भेजने का मतलब केवल और केवल एक तरह से विधानसभा को जिस हल्के रूप में ले रहा, मेरी विनम्र प्रार्थना है इसको आप सीरियसली बना करके इस विषय को देखें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई ये गंभीर मसला है, क्योंकि ये राजभवन से जो कागज हैं ये हमें आज सुबह ही प्राप्त हुए हैं। इसमें निश्चित तौर पे एक कमेटी का गठन करके, और नेता प्रतिपक्ष से कहूँगा कि आपकी भी राय लेकर के, क्योंकि ये वीसी का जो चयन है वो पूरी प्रतिक्रिया आपके आगे है, मैं इसमें जो जांच है जांच करा के अगर ज़रूरत पड़ी FIR दर्ज कराने की तो FIR भी दर्ज करा के इसमें पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधीश भाषण, शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 5 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री लालचंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री साले मोहम्मद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 2 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ। समिति के प्रतिवेदन डॉक्टर राजकुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 2021-22 के 6 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ। अनुदान की मांग पर चर्चा विचार मतदान, श्री टीकाराम जुली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹304,37,58,80,000 तक की राशि प्रदान की जाए। श्रीमती अनीता बदेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत में जाति व्यवस्था के कारण से हजारों वर्षों से जो व्यवस्था चली आई, उस व्यवस्था के कारण से